बहुत स्वागत, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झूठ न बोलने की सलाह दी है। कोरबा में अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा खड़गे पर फूटेगा, 4 जून को उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा। अरे खड़गे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है? ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे, बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। अमित शाह ने यह आरोप भी लगाया कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने ना आरक्षण हटाया ना हटाएंगे। मोदी जी ने अगर हटाया तो धारा 370 को हटाया, नक्सलवाद को हटाया। मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा दें। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाए, बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए लाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी, बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। इधर अंबिकापुर में सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेसी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। संविधान खत्म नहीं होगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा, कांग्रेसी सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। आज ये देश के संविधान और देश के हमला जो प्रदेश में आरक्षण मिली से SC ST OBC ला वो खत्म हो जाएगी, ऐसा एक कांग्रेसी अमन भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान और आरक्षण खत्म कर दें। लेकिन आप मन सुन चुके, मैं बताता हूँ कि प्रधानमंत्री बोल चुकी है, न संविधान खत्म होने वाला है न आरक्षण खत्म होने वाला है, इस हमेशा चलने वाला है, इसलिए कोई अमन के भ्रम में पड़ना नहीं है। इधर रायपुर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनमोहन वैद्य के साथ और नेताओं का जो बयान है वो आरक्षण विरोधी है, बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने ये दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 9 से 10 सीट जीतेगी। पब्लिसिटी हेड पवन खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो खासतौर पे आरक्षण को लेकर जो है वो मुद्दा गहराया हुआ है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है आरक्षण को लेकर झूठ बोल रही है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। संविधान बदलने की बात कहाँ से शुरू हुई? अनंत हेगड़े से शुरू हुई, ज्योति मिर्धा ने बोला, अरुण गोविल ने बोला और इनके यूपी के 2-3 प्रत्याशियों ने बोला। उससे पहले 2015 में आरएसएस के वरिष्ठ नेता मनमोहन वैद्य बोल चुके हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। तो ये बात तो इन्हीं के यहाँ से निकल कर आती है। हम तो सिर्फ इनसे सवाल पूछते हैं कि साहब अभी 400 जब आप मांगते हो सीटें तो 400 का मतलब क्या हुआ? 272 पे ही सरकार बन जाती है, फिर आप 400 बोल रहे हो तो मतलब आपकी मंशा, आपके लोग जो बोल रहे हैं वही है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में राजीव भवन में कांग्रेस नेता और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच विवाद गरमाने लगा। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनके साथ राधिका खेड़ा का विवाद हुआ था। इसके बाद राधिका ने ट्वीट किया, अब एक वीडियो सामने आया। राधिका खेड़ा इसमें चिल्लाती हुई नजर आती हैं, ऐसा लगता है कि वो रो भी रही हैं। वीडियो में राधिका खेड़ा कह रही हैं कि 40 साल में मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ, आज तक किसी ने मेरी इंसल्ट ऐसे नहीं की, मैं पार्टी छोड़ रही हूं। मैं जब उससे बात करती हूँ मैं भी चिल्लाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था।
मैं पार्टी से भी इसलिए बात कर रही हूँ, अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है जो मेरी इंसल्ट करने के लिए मेरे को चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया, जस्ट डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे चिल्लाता है कंटिन्यूसली, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इसलिए बात कर रही हूँ, अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है जो मेरी इंसल्ट करने के लिए मेरे को चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया, जस्ट डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे चिल्लाता है कंटिन्यूसली, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इसलिए बात कर रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये विवाद लगातार गहरा रहा है। राधिका खेड़ा ने एक दूसरा ट्वीट किया है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सहारा लिया कविता का, नारी तू अबला नहीं स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं तब होगा उत्थान, क्यों नारी लाचार है लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। ये कविता का सहारा भी उन्होंने लिया, राधिका खेड़ा। सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगा रही है। और बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मौका, राधिका खेड़ा विवाद पर। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस के घर में बिखराव है, इनके पूर्व सीएम के घर में भी बिखराव है, बघेल की भाभी भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। देखिए, अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इनके घर में बिखराव हो गया है। हेलो, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके घर में भी बिखराव हो गया, उनकी भाभी श्रीमती सीमा बघेल वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस हिसाब से मतलब बिखराव है। और राधिका खेड़ा के पार्टी छोड़ने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस में सबका मान सम्मान है, हमारी पार्टी का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे, बीजेपी हार रही है इसलिए झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है कि कभी कोई नेता कुछ बोल दे, कभी कोई नेता कुछ और बयान दे दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के बाद बुरी तरह से हार मान चुकी है और डर चुकी है, और तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से इसको जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर तो संभाल ले, पहले अपना घर संभाल ले, फिर बातें बात करें। इधर सूरजपुर में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म जाति के नाम पर चुनाव लड़ रही है। सचिन पायलट के बयान पर मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने पलटवार किया कि कांग्रेस के किसी प्रचारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीजेपी का 400 पार का नारा पूरा होगा। सरकार की जो 10 साल की पूरी रिपोर्ट कार्ड है, लोग उसको अच्छी तरह देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे, और जो आश्वासन दिए, जुमले दिए, वादे किए, लगभग सभी पूरे नहीं कर पाए हैं। जनता बदलाव चाहती है, और छत्तीसगढ़ में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं भाजपा के उम्मीदवारों से बहुत बेहतर हैं। कोई भी आ जाए कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन रही है, हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं। कितनों बड़े नेता आ जाए कांग्रेस के, हम हर लोकसभा से कमल का फूल खिला रहे हैं। कोरबा में मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, डूबती नाव को छोड़कर लोग भागना चाह रहे हैं, देश में मोदी की सुनामी चल रही है, देश की जनता पीएम मोदी को ऐतिहासिक आशीर्वाद देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस एक डूबती नाव है, डूबती नाव को छोड़कर हर कोई भागना चाहता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग जो बचे हुए छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। उसमें मोदी जी की जो लहर चल रही थी वो सुनामी में बदल गई है, और उस सुनामी को आज की सभा ने एक नई ऊंचाई दी है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, कोरबा की जनता जनार्दन, पूरे भारत देश की जनता जनार्दन मोदी जी को ऐतिहासिक आशीर्वाद। रायपुर में कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल की शिकायत की है, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनके पोस्टर और होर्डिंग्स में गलत आंकड़े और भ्रामक जानकारी दी गई है। अग्रवाल पर राम के नाम पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया गया।
प्रत्याशियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी के द्वारा सारे निर्वाचन नियमों का धज्जी उड़ाते हुए जो है बिना अनुमति के सारे जो कामों पर प्रतिबंध है वो सारे काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के मजदूरों के साथ भोजन किया, उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि देश का विकास इन्हीं मजदूरों पर टिका है। उन्होंने कहा, मैं गांव का रहने वाला हूं, मजदूरों की समस्या समझता हूं। साय ने यह भी बताया कि मजदूरों को 5 रुपए में पेट भर भोजन मिलता है। रमन सिंह सरकार के समय यह योजना शुरू हुई थी। मैं 2 साल भारत सरकार में लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काम किया, श्रमिक के रूप मतलब श्रम मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में काम किया हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो जितना हम श्रमिकों की समस्या समझेंगे उतना दूसरे शायद नहीं समझ पाएंगे। और आज जो हम लोग विकास देख रहे हैं शहर में, चाहे रोड है, चाहे रेलवे है, चाहे बड़े बड़े भवन है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, ये सब के पीछे श्रमिकों का हाथ है, उनका परिश्रम है, उनका पसीना है। वो लोग झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दूसरों को महल रहने के लिए देते हैं। वो लोग साइकिल में चलते हैं लेकिन दूसरों के लिए मोटर गाड़ी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए और रेल के लिए वो लोग पटरी और सड़क खड़ा करते हैं। ऐसे श्रमिकों को आज के इस दिन मैं नमन करता हूं, उन्हीं के बदौलत हमारा ये पूरा विकास टिका हुआ है। महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त जारी कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। महीने की पहली तारीख को महतारी वंदन योजना की जो किश्त होती है वो जारी की जाती है। तकरीबन 70 लाख जो महिला हितग्राही हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। तो आज उनके खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोई बड़ा जलसा या आयोजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगी हुई है। महतारी वंदन योजना के आज फिर डलवा है पैसा, आप मैं चेक कर लिया है ना, तीसरा किस्त आगे से। कलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अनियमितताओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद प्रदीप सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया और प्रदीप सिन्हा का इस्तीफा सरकार ने मंजूर भी कर लिया। लंबे समय से IIT रायपुर के डायरेक्टर के पद पर प्रदीप सिन्हा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। महादेव सट्टा केस में 2 आरोपियों की रिमांड मिल गई है। EOW को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। 4 मई तक कोर्ट ने आरोपियों को EOW को सौंपा है। हालांकि EOW ने दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। भीम सिंह यादव और अमित अग्रवाल दोनों रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे। जेल से कोर्ट लेकर EOW पहुंची, प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें कोर्ट लाया गया था। नारायणपुर नक्सल मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बस्तर IG सुंदरराज पी ने कहा कि कुछ साल में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। जवानों के बड़े नक्सली लीडर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुठभेड़ वाली जगह से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। AK-47 बरामद हुई। मारे गए 10 नक्सलियों में से 8 की शिनाख्त कर ली गई है। 2 की पहचान होनी अभी बाकी है। धीरे धीरे आगे अग्रसर है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी हम माओवादी संगठन का खात्मा करके क्षेत्र में जनता की मंशानुरूप शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम सफल होगा। इधर सुकमा में एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। इस पर 1 लाख का इनाम था। कई नक्सल वारदातों में ये शामिल थी, वांटेड थी। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया।